अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज नुक्कड़ नाटक का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। बस कुछ ही पल में हम ये नाटक यहाँ प्रारंभ करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी लोग अगल बगल से हैं आ जाएं और इस नाटक का आनंद लें। कर रहे हैं जो देख रहे हैं वो आ जाएं यहाँ पर। अब बहुत ही जल्द हमारा ये नाटक शुरू होने वाला है, आप आनंद लीजिए। देशभक्ति से सराबोर ये नाटक है, नुक्कड़ नाटक, जिसमें हम आज जो 15 अगस्त आने वाला है। अरे लगाया सभी धर्मों के लोग अपने अपने हिसाब से भारत माता की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। Thank you.
भाई लोग जो भी जो यहाँ पर अपना रोजगार किए हैं, स्वरोजगार किए हुए हैं, उन सभी से भी मेरा निवेदन है, आपके लिए भी हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप सामने ही रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं और हर तरह की जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आप पाठ्यक्रम करके अपने जीवन को और भी अधिक उन्नत बना सकते हैं। आप रुके रहे बस दो मिनट के लिए। देखिए आप लोग के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, मैं वो तथ्य पेश करने जा रहा हूँ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों ने इतनी आहुति दी है और माताओं बहनों का सही तथ्य आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ। करती उठी रो पड़ा आसमां कांप धरती उठी, वॉल्यूम बढ़ाइए, कांप धरती उठी रो पड़ा आसमां जब जलिया में गोली चलाई गई, कांप धरती उठी रो पड़ा आसमां आगे आइए, जबकि जलिया में गोली चलाई गई, बेरहम
अंग्रेजों ने किया फायरिंग, बेरहम अंग्रेजों ने किया फायरिंग, सारी बागों में लातें बिछाई गई, कांप धरती उठी रो पड़ा आसमां, जब जलिया में गोली चलाई गई, कितने बहनों के सिंदूर। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आप लोग बोलचाल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए कोई भी राष्ट्रीय गीत भक्ति गीत गाने से पहले मैं दो तीन चीज़ों का नम्र विनम्र निवेदन करने के बाद ही प्रस्तुति देता हूँ, अन्यथा प्रस्तुति देना मेरी शौक नहीं है, इसलिए पुनः रिपीट करने जा रहा हूँ, गौर से सुनेंगे। आप धरती उठी रो पड़ा आसमां, जब जलिया में गोली चलाई गई, कितने बहनों के सिंदूर मिट तो गए, कितने बहनों के सिंदूर मिट तो गए, जब किला से चिता पे सजाई गई, बेसभा चले जब लहरा ने तिरंगा, बेसभा चले जब लहरा ने तिरंगा, गोली सीने पे उनके चलाई गई, कांप धरती उठी रो पड़ा आसमां। धन्यवाद गुंडाराम, देशभक्ति का आपने गीत जलियांवाला बाग को याद किया, आज ये वक्त है हम देश के उन तमाम वीर शहीदों को याद कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, आज़ादी का एक प्रांजल एक हमारे बीच बच्चा है, ये अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे देशभक्ति का। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रातः हो की रात हो संग हो नर साथ हो, सूर्य के बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद हवा का फिर चिड़िया से छोड़ा बच्चे, जागो बच्चों अब मत तो इतना सुंदर समय रखो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपको, आपने जो शिक्षा दी बच्चों को सुबह उठने की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टीम हमारी तैयार है। अभी अभी ऐसे करके फोटो खिंचवा लीजिएगा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सामने करके फोटो खिंचवा लीजिए, सब फोटो मैडम आप भी आइना सामने देखो भैया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you.
संजय सर, सर संजय सर, ओ सर
व्यक्तिगण, कर्मचारीगण सब यहाँ पर उपस्थित दर्शक, आप सभी के जो भी कलाकार थे जो यहाँ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, उनका आपने उत्साहवर्धन किया, उनका सम्मान बढ़ाया। जिसकी उनकी टीम है, जिसकी हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स कर चुकी है, मैं अभी उनका डेटा दिन देख रहा था, 8-10 कोर्स में नाम है, पत्रकारिता से लेकर के एमए और क्या क्या होगा, और अभी अभी तुरंत इन्होंने लिया है कुंभ दर्शन, मेरे पास जिस दिन आए थे तब मैंने चेक किया, और दसियों लोगों का पूरी टीम इनकी इन्हीं के नेतृत्व में आती है, अभी योगा में है, ज़्यादातर लोग योगा के जाती हैं, तो आप को भी परिचय की मोहताज नहीं, फिलहाल बहुत से कार्यक्रम देती रहती हैं NCZCC से लेकर और कहाँ कहाँ, तो एक बड़ा शहर में फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं एक अच्छी, और वो कैसा मोतीलाल में देती हैं वहाँ से हमें, तो आपने पिछले हमारे बैक की टीम में भी जो योग प्रदर्शन किया था और बेहतरीन प्रदर्शन आपने किया था, आपकी ये पूरी टीम थी, लगभग यही टीम थी, कुछ आज चेहरा बदल लिया इन्होंने तो आप सभी का बहुत बहुत आभार दीप्ति, विशेष करके आपका धन्यवाद कि एक कॉल पे आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहती हैं, जब भी कहा हूँ तो पूरी टीम के साथ और पूरे मन के मनोयोग से यहाँ उपस्थित रहे, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया आपका, एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से भी आपको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग जो झंडे दिए गए हैं वो लोग अपने घर पर लगाने के लिए दिए गए हैं, 13 से 15 तक सभी लोग अपने घरों पर लहराएं और आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ हम मनाएंगे, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैडम को आगे बालक मैम सामने देखा, मैडम सामने देख, संजय जी।